ये कहानी एक इटालियन इरोटिक ड्रामा है जो दिखलाती है कि कैसे एक ही परिवार के तीन मर्द एक ही लड़की के दीवाने हैं और उसे पाने के लिए अपनी दावेदारी पेश करते हैं और एक दूसरे के लिए रोड़ा पैदा करते हैं, लेकिन आखिरी में केवल एक किस्मत वाला होगा जिसे वो खूबसूरत लड़की मिलेगी। ये कहानी इग्नाजियो और उसके तीन बेटे अंतोनियो, नीनो और एजिनो की है। सबसे बड़ा बेटा अंतोनियो करीब 20 साल का है, मझला बेटा नीनो 16 साल का और सबसे छोटा बेटा एजिनो 6 साल का है, जबकि उसके पिता इग्नाजियो अपने 50s में है। कहानी की शुरुआत में दिखलाया जाता है कि अंतोनियो, नीनो और एजिनो की माँ यानी इग्नाजियो की पत्नी मार्गरीता की अचानक मौत हो गई है। मार्गरीता के मौत के बाद इग्नाजियो के घर में उसके ढेरों शुभचिंतक दुख प्रकट करने के लिए पहुंचते हैं। हालांकि इन संबंधियों में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्हें मार्गरीता के मरने का कोई दुख नहीं है, वे बस अपनी उपस्थिति दिखलाने के लिए इग्नाजियो के घर पहुंचे हैं। ऊपर से यहाँ उन्हें अच्छी खासी डिनर मिल रही है, एक तरह से ये एक पार्टी है, बस मेहमानों को दिखलाना है कि वे दुखी हैं। ज्यादातर लोगों के लिए मार्गरीता की मौत गोसिप से बढ़कर कुछ नहीं है, यहाँ तक कि मार्गरीता के बेटों और पति के लिए भी उसकी मौत के बजाय गेस्ट के सामने प्रेजेंटेबल होना ज्यादा मायने रखती है। हालांकि छोटे बेटे एजिनो के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता है क्योंकि उसकी उम्र अभी बहुत कम है और उसे किसी के मरने का क्या मतलब है इसकी समझ नहीं है। उसे इस बात की समझ नहीं है कि उसकी माँ मर गई है, इसका मतलब ये है कि वो फिर कभी वापस नहीं आएगी, वो हमेशा के लिए उससे दूर चली गई है। जब पूरा परिवार मार्गरीता को दफन करके घर वापस आता है, वे देखते हैं कि घर में एक लड़की मौजूद है जिसने मेहमानों के जाने के बाद पूरे घर की साफ सफाई कर दी है, सब कुछ सही जगह पर व्यवस्थित है। इतना ही नहीं, उसने उन लोगों के लिए डिनर भी तैयार कर रखा है, पर वे ये नहीं जानते हैं कि यह लड़की कौन है। तब वो बतलाती है कि उसका नाम एंजेला है, मार्गरीता ने उसे घर के कामों के लिए हायर किया था, उसे आज के ही दिन से काम शुरू करना था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि मार्गरीता जिसने उसे हायर किया था उसकी मौत हो चुकी है। जब इग्नाजियो और उसके बेटे एंजेला का काम देखते हैं और वे ये देखते हैं कि कैसे छोटा बेटा एजिनो उससे तुरंत घुल मिल गया है, तो वे आपस में ये निर्णय करते हैं कि एंजेला को काम पर रख लिया जाए। तब एंजेला घर की मेड बन जाती है, वो इतने अच्छे तरीके से अपना काम करती है कि घर के सभी लोगों का दिल जीत लेती है। घर के कामों के लिहाज से ना तो बच्चों को और ना ही इग्नाजियो को मार्गरीता की कमी खलती है। इग्नाजियो तो इतना प्रभावित होता है कि महरूम मार्गरीता की कब्र में जाकर उसे शुक्रिया अदा करता है कि उसने घर में एक संत को भेजा है जिसने सभी का ख्याल रखने का जिम्मा अपने ऊपर उठा लिया है। इग्नाजियो एक बिजनेसमैन है, यहाँ उसकी अच्छी खासी दुकान है, उसके पास काफी पैसा है, इसलिए उसकी पत्नी मार्गरीता के मरने के बाद एक महिला जिसका नाम कोरालो है उसके परिवार के साथ नजदीकियां बढ़ाती है ताकि इग्नाजियो से शादी करके उसके परिवार का हिस्सा बन सके। कोरालो एक विधवा महिला है जो इग्नाजियो के फैमिली फ्रेंड की पत्नी थी। इग्नाजियो भी पहले से ही वीडियो कोरालो के प्रति आकर्षित था, इसलिए कोरालो इस बात का फायदा उठाना चाहती है और साथ में बच्चों का दिल भी जीतना चाहती है। लेकिन मझला बेटा नीनो कोरालो के इस सहानुभूति भरे बर्ताव को कुछ और ही समझता है, चूंकि वो जवान हो रहा है, महिलाओं से उसकी उम्मीदें कुछ अलग ही हैं। इधर हर रोज कोई एंजेला के कपड़े में गुलाब का फूल रखता है, वो नहीं जानती है कि कौन ऐसा करता है। हालांकि उसे ये बात अच्छी लगती है कि परिवार में कोई ऐसा शख्स है जो शायद उसे पसंद करता है। किसी भी लड़की को ये बात कैसे बुरी लग सकती है कि कोई हर रोज उसके लिए गुलाब का फूल छोड़ता है। यहाँ उसे काम करते हुए कुछ दिन बीत गए हैं, इसलिए वो कम से कम ये बात जानती है कि घर का बड़ा बेटा एंटोनियो ऐसा नहीं कर सकता है क्योंकि वो एक बदतमीज लड़का है, उसके साथ उसका बर्ताव केवल छेड़खानी भरा है, वो ऐसे सौम्यता का बर्ताव नहीं कर सकता है, ये काम उसके बस का ही नहीं है। दूसरी तरफ एजिनो एक बच्चा है तो केवल दो लोग बचते हैं, मझला बेटा नीनो और उसका पिता इग्नाजियो। एक दिन अपने दोस्त के साथ फुटबॉल खेलते हुए नीनो की कमर में कांच का एक टुकड़ा चुभ जाता है,
जब वो घर आता है, यह एंजेला उसकी मरहम पट्टी करती है। दूसरे दिन जब वो ये बात अपने दोस्त बारोन पुगलिसी को बतलाता है कि उसके कमर में लगी चोट की मरहम पट्टी उसकी नई मेड एंजेला ने की है, तो पुगलिसी इस बात को फैंटेसाइज करता है। तब नीनो भी उसे चीजें बढ़ा चढ़ा कर बताता है। इसके बाद पुगलिसी उसे ऑफर देता है कि अगर वो भी उसे एंजेला की खूबसूरती दिखलाए तो इसके बदले वो भी अपने सिस्टर को बिना कपड़ों में उसे देखने की इजाजत देगा, और पुगलिसी ऐसा करता भी है। उस रात जब नीनो अपने घर जाता है, उसका नजरिया एंजेला के प्रति बिल्कुल बदल चुका है। पुगलिसी के विचारों ने उसके दिमाग में गंद मचा दी है। नीनो अपने छोटे भाई एजिनो के साथ सोता है, और हर रात एंजेला ये देखने उसके कमरे में आती है कि एजिनो ने कहीं बिस्तर गीला तो नहीं कर दिया है। आज रात भी जब एंजेला आती है, नीनो उसे फैंटेसाइज करता है, और ये बात एंजेला को पता चल जाती है। तब वो ये बात समझ जाती है कि उसके पास हर रोज जो गुलाब का फूल छोड़ता है वो और कोई नहीं, नीनो ही है। पर उसे इस बात में कोई समस्या नहीं है कि वो उसके लिए गुलाब का फूल छोड़ता है या उससे फैंटेसाइज करता है, क्योंकि वो अपने भाई की तरह उदंड नहीं है। नीनो अक्सर अपने दोस्त पुगलिसी के घर जाया करता है, जिससे कि वो उसकी बहन के साथ समय बिता सके। यहाँ वो अपने दोस्त पुगलिसी को एंजेला के बारे में काल्पनिक बातें बतलाता है कि कैसे उसने उसके साथ सब कुछ कर लिया है। पुगलिसी उसकी सारी बातों को सही मानता है, और वो हर बात उससे डिटेल में जानना चाहता है। ऐसा करने पर पुगलिसी के मन में एंजेला के बारे में एक दूसरी ही छवि बनती है। फुटबॉल खेलते हुए लगे चोट की वजह से नीनो स्कूल नहीं जाता है। इस बारे में उसके पिता को कोई जानकारी नहीं है कि वो स्कूल क्यों नहीं जा रहा है। जब वो नीनो से इस बारे में पूछता है तो एंजेला उससे ये कहकर बचाती है कि उसकी तबीयत खराब है। फुटबॉल खेलते हुए लगी चोट एंजेला और नीनो के बीच का सीक्रेट है, क्योंकि उसने एंजेला को पहले ही कहा था कि वो इस बारे में उसके पिता को कुछ न बतलाए, क्योंकि ऐसा करने पर उसे डांट पड़ेगी। जब नीनो ये देखता है कि एंजेला ने उसके और एंजेला के बीच की बातें उसके पिता को नहीं बतलाई, और वो जुबान की पक्की है, चीजें सीक्रेट रख सकती है, तो एंजेला के प्रति उसका भरोसा बढ़ता है, उनमें करीबियां भी बढ़ती है। इधर जैसे जैसे इस घर में उसके दिन गुजर रहे हैं, नीनो के पिता इग्नाजियो भी उसकी तरफ आकर्षित होने लगा है। वो पहले ही उसके काम से प्रभावित था, और अब रोज खूबसूरत एंजेला को अपने इर्द गिर्द देख कर उस पर फिदा हो चुका है। इस तरह से घर के तीनों मर्द एंजेला को पाना चाहते हैं। उनमें फर्क बस इतना है कि बड़ा बेटा एंटोनियो केवल एंजेला से टाइम पास करना चाहता है, जबकि मझला बेटा नीनो उससे प्यार करता है, वो उसकी ड्रीम गर्ल है। दूसरी तरफ उसका पिता इग्नाजियो उससे शादी करना चाहता है। एक दिन जब एंजेला काम से छुट्टी लेती है, इग्नाजियो को लगता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ समय बिताना चाहती है, लेकिन जब एंजेला बतलाती है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और वो अपनी आंट के पास जा रही है, उसी दिन इग्नाजियो ये ठान लेता है कि वो एंजेला से शादी करेगा, क्योंकि उसके हिसाब से एंजेला जैसी डिसेंट लड़की उसे कहीं नहीं मिलेगी, यही उसके लिए एक मौका है। एक दिन घर में एंटोनियो एंजेला के साथ छेड़खानी करता है, तब नीनो उसे ऐसा करने से रोकता है, जिससे उसके और एंटोनियो के बीच में लड़ाई हो जाती है। चूंकि नीनो एंटोनियो से छोटा है, वो अपने बड़े भाई को नहीं हरा पाता है। तब एंटोनियो उसे अपमानित करता है और एंजेला के बारे में उल्टी सीधी बातें कहता है। अपने भाई के साथ लड़ाई में हार जाना नीनो को बहुत खराब लगता है। उसे लगता है कि एंजेला उसे कमजोर समझेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। थोड़ी देर में वो उसके कमरे में नीनो से मिलने आती है, उसे मनाती है। वो कहती है कि उसे पता है वो चुपके से उसके लिए फूल छोड़ता है, और ये बात उसे अच्छी लगती है। एक रात नीनो देखता है कि एंजेला के कमरे की तरफ उसका भाई एंटोनियो बन ठन कर जा रहा है, तब वो चुपके से उसका पीछा करता है। तभी वे दोनों देखते हैं कि उनका पिता इग्नाजियो भी छुपते छुपाते दबे पांव एंजेला के कमरे की तरफ जा रहा है। नीनो उन दोनों को उसके कमरे तक जाने से रोकना चाहता है, पर उसे समझ में नहीं आता है कि वो ऐसा कैसे करेगा। तभी वो एक गिलास उठाता है और सामने अपने दुकान के शीशे को मारकर तोड़ देता है। ऐसा करने पर दुकान में लगा अलार्म बज उठता है, और सबको लगता है कि दुकान में कोई चोर घुस आया है। वे पूरी रात नहीं सोते हैं, ऊपर से पुलिस तहकीकात के लिए पहुंच जाती है। लेकिन नीनो खुश है, क्योंकि उसने अपने भाई और पिता को एंजेला से दूर रखा। जब पुलिस तहकीकात करती है, उन्हें चोर का कोई सबूत नहीं मिलता है। कुछ भी चोरी नहीं हुआ है, कोई दुकान में घुसा ही नहीं है।
जब पुलिस इग्नासियो से पूछती है कि उसे किस पर शक है, तो उसे किसी का नाम नहीं सूझता है, क्योंकि दुकान से कुछ भी चोरी नहीं हुआ है। वो रिपोर्ट नहीं लिखाता है, लेकिन उसे लगने लगता है कि शायद ये काम उसकी मरहूम पत्नी मार्गरीटा की है। उसकी आत्मा को उसका एंजेला से मिलना पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए वो घर आने के बाद अपनी मरहूम पत्नी मार्गरीटा पर चिल्लाता है। कहता है कि उसने दुकान का महंगा शीशा तोड़ दिया और मरने के बाद भी उसे चैन से जीने नहीं दे रही है। दूसरी तरफ विडो कोरालो, जो इग्नासियो से शादी करना चाहती थी, एक दिन उसे शाम को कपड़े ड्राई करने के बहाने अपने घर बुलाती है। असल में वो इग्नासियो को सीड्यूस करना चाहती है ताकि उससे शादी कर सके, लेकिन इग्नासियो उस शाम अपने बेटे नीनो को कपड़े का सैंपल लेकर वहां भेज देता है और खुद घर में रुकता है, क्योंकि इस शाम वो एंजेला से अपनी शादी की बात करने वाला है। जब नीनो कोरालो के यहाँ कपड़े लेकर जाता है, तो कोरालो के घर के बाहर उसे उसका दोस्त पुगलिसी मिलता है, जो उसे ही ढूंढ रहा था। तब नीनो उससे कहता है कि वो उसके घर जाकर उसका इंतजार करे, वो वहीं आकर उससे मिलेगा। असल में वो अपने पिता को एंजेला के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। इधर जब वो कोरालो के घर पहुंचता है, कोरालो उसे वाइन पिलाती है और उसके साथ रोमांटिक होने लगती है, क्योंकि एक बार नीनो ने भी उसके साथ ऐसा ही किया था। तभी वहाँ पुगलिसी वापस आ जाता है। इस बात से नीनो बड़े गुस्से में होता है, क्योंकि उसने उसे वहाँ घर में उसका वेट करने के लिए कहा था। तब पुगलिसी बतलाता है कि उसके पिता ने उसे जबरदस्ती वहाँ से भेज दिया। तब नीनो अपने दोस्त पुगलिसी को वहीं कोरालो के पास छोड़कर भागा भागा घर वापस चला जाता है। घर पहुंचने पर वो उसके पिता और एंजेला को ये बातें करते हुए सुनता है कि एंजेला उसके पिता से शादी करने के लिए राजी है, लेकिन उसे चिंता है कि उन दोनों के रिश्तों के बारे में लोग क्या बातें करेंगे। ऊपर से इग्नासियो की माँ भी उस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो एक जटिल महिला है। इग्नासियो अपनी माँ से पूछे बिना एंजेला से शादी नहीं कर सकता है, इसलिए अगले ही दिन इग्नासियो पूरे परिवार के साथ गांव में अपनी माँ के घर चला जाता है ताकि उसकी इजाजत ले सके। लेकिन उसकी माँ को ये बात पसंद नहीं आती है कि वो एक मेड से एक सर्वेंट से शादी करना चाहता है। वो इग्नासियो की बेइज्जती करती है, उसे ठरकी कहती है और कहती है कि उसके इस निर्णय का उसके बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। नीनो अपनी दादी और उसके पिता के बीच बातचीत छुप कर सुन रहा है। तब उसे एक आइडिया आता है कि अगर वो किसी तरह ये साबित कर दे कि छोटे जीनो को एंजेला पसंद नहीं है और वो अपनी माँ मार्गरीटा को भूल नहीं पा रहा है, तो उसके पिता एंजेला से शादी नहीं कर पाएंगे। इसलिए उस रात नीनो छोटे जीनो को नींद से उठाता है और कहता है कि उसके सपने में माँ आई थी और वो बहुत दुखी थी, क्योंकि तुम उसकी जगह एंजेला को पसंद करते हो। तब एजिनो रोने लगता है। नीनो उसे जोर जोर से चिल्ला कर रोने के लिए कहता है ताकि उसकी मरहूम माँ को ये पता चल जाए कि वो उसे चाहता है, ना कि एंजेला को। आधी रात को जब एजिनो चिल्ला चिल्ला कर रोता है, उसकी दादी समेत पूरा परिवार जग जाता है। और जब एंजेला छोटे एजिनो को चुप कराने के लिए जाती है, तो वो कहता है कि उसे अपनी माँ चाहिए, ना कि एंजेला। इस घटना के बाद इग्नासियो की माँ उसके शादी के फैसले के पूरी तरह से खिलाफ हो जाती है। नीनो का प्लान कामयाब हो गया है। अगली सुबह पूरा परिवार अपने घर वापस चला जाता है। यहाँ एंजेला नीनो से खुश नहीं है, क्योंकि उसे ये बात समझ में आ गई है कि उसी ने छोटे एजिनो को उसके खिलाफ भड़काया है। वो अकेले में नीनो से कहती है कि क्या वो उसे यहाँ से भगाना चाहता है। अगर ऐसा है तो वो अभी यहाँ से चली जाएगी। वो कहती है कि उसे समझ में नहीं आ रहा है कि उसे उससे क्या चाहिए। असल में एंजेला उसके पिता से शादी करना चाहती है। वो एक गरीब परिवार से थी। इग्नासियो से शादी करने पर उसकी लाइफ सेट हो जाएगी, उसे एक अच्छी जिंदगी मिलेगी और समाज उसे इज्जत भरी नजरों से देखेगा। जब एंजेला नीनो से कहती है कि वो क्या चाहता है, उसे समझ में नहीं आ रहा है, तब नीनो कहता है कि वो उससे कुछ नहीं चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसने उसके बारे में अपने मन में कई फैंटेसी बना रखी है और उसे अब मौका मिल चुका है। वो जानता है कि एंजेला को अब ब्लैकमेल किया जा सकता है और इसकी शुरुआत वो उसी रात से करता है। वो एंजेला को इनअप्रोप्रिएट तरीके से छूता है और जब वो ये देखता है कि एंजेला इसका विरोध नहीं कर रही है, जैसे वो तब करती थी जब उसका बड़ा भाई एंटोनियो उसके साथ बदतमीजी करता था, तब उसकी हिम्मत और बढ़ जाती है और दिन ब दिन उसकी मांगे ज्यादा वल्गर होने लगती है।
कभी वो उसे बिना अंडरगारमेंट्स के कपड़े पहनने के लिए मजबूर करते हैं, कभी उसे अपने पिता के सामने उसके शरीर का प्रदर्शन करने के लिए कहता है, कभी उसे बिना कपड़ों के देखने की तमन्ना पूरी करता है। एंजेला उसके हर ख्वाहिशों को पूरा करती है क्योंकि उसके भी अपने स्वार्थ हैं जिसे उसे पूरा करना है। क्या वो पूरे जीवन किसी के घर में केवल काम ही करती रहेगी और समाज उसे केवल सर्वेंट या मेड या हाउसकीपर जैसे उपनामों से ही जानेगा। जैसे जैसे एंजेला नीनो की एक एक ख्वाहिशें पूरी करती जाती है, उसकी और इग्नासियो की शादी के बीच आ रहे रोड़े दूर होते जाते हैं। अब छोटे एजिनो को अपनी माँ याद नहीं आती है क्योंकि नीनो उसे रात में उठाकर रोने के लिए नहीं उकसाता है। इधर उसके पिता अब खुद पर काबू नहीं कर पा रहे हैं और एक बार फिर अपनी माँ से मिलने चले जाते हैं। इस बार बात आर पार की होगी। अगर वो ना मानी तब भी वो अपनी माँ से ये कह देगा कि वो किसी भी हाल में एंजेला से ही शादी करेगा। इसी सिलसिले में वो एक रात के लिए अपनी माँ के घर चला जाता है। इस रात बड़ा भाई एंटोनियो भी घर में नहीं है, वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी में चला गया है। जब एंटोनियो को ये बात पता चली थी कि उसके पिता एंजेला को पसंद करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं, उसी दिन से उसने उसके साथ बदतमीजी करना बंद कर दिया था। इस रात जब छोटा एजिनो गहरी नींद में होता है, नीनो और एंजेला के बीच सारी बंदी से टूट जाती है। वो उसकी पहली गर्लफ्रेंड बन जाती है जिसके साथ उसने अपनी पुबर्टी का पहला एक्सपीरियंस किया है। ये एंजेला के साथ उसका आखिरी एक्सपीरियंस भी होता है क्योंकि उसके पिता की माँ ने उसके पिता को एंजेला से शादी करने की इजाजत दे दी है। अगली सुबह जब उसके पिता घर वापस आते हैं, नीनो अपने पिता से कहता है कि कल रात उसकी माँ उसके सपने में आई थी। ये बात सुनकर उसके पिता के होश पाखता हो जाते हैं। उसे लगता है कि एक नई मुसीबत शुरू हो गई है, लेकिन नीनो बतलाता है कि उसकी माँ बहुत खुश थी और उसने उसके पिता को एंजेला से शादी करने की इजाजत दे दी है। इसके बाद चर्च में एंजेला और इग्नासियो की शादी होती है और फिर से वही समाज जो मार्गरिता के मरने पर ये गोसिप कर रहा था कि इग्नासियो के परिवार का क्या होगा, उसके बच्चों का ख्याल कौन रखेगा, इस बार इग्नासियो और एंजेला की शादी हो जाने पर उन दोनों के बीच उम्र के डिफरेंस को लेकर गोसिप करता है। उन्हें यह बात नहीं पचती है कि कैसे एक मेड से इग्नासियो शादी कर सकता है। शादी के बाद एंजेला अपने तीनों बच्चों को चूमती है। इसमें उसके लिए सबसे खास नीनो है जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करती है, और ये फिल्म इसी के साथ खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी तक बने रहने के लिए शुक्रिया।